नवल जी, स्वागत है आपका रेडियो मनमीत की तरफ से। और ये आपकी प्रदर्शनी, एकल प्रदर्शनी यहाँ पर है आर्ट रूट गैलरी में, और लंबे समय के बाद आपका काम फिर से देखने को मिल रहा है। काफ़ी चीज़ें बदली भी हैं, तो इस परिवर्तन के पीछे और इस विषय के बारे में आपका अपना क्या सोच है, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो आदरणीय बेल जी, आपका हार्दिक स्वागत और धन्यवाद कि आपने अपने अमूल्य समय में से इस एग्जीबिशन को देखने का समय निकाला। मैंने इस एग्जीबिशन में 45 वर्क्स लगाए हैं, जो एक नई सीरीज की है, जिस सीरीज का नाम है द डिवाइन लव। द डिवाइन लव कहता है हमारे शाश्वत प्रेम की कहानी, हमारे साथ जो जो एक रिश्ते होते हैं, उन रिश्तों को एक किस तरीके से ये सीरीज कहती है, उसको आपको देखना पड़ेगा। इसमें आपको एक प्रेम की कथा, जो जैसे लोग कहते हैं कि ये तो जिसे आर्टिस्ट ऑफ लव, तो मैं प्रेम को एक शाश्वत रूप में देखता हूँ कि सब कुछ मिट सकता है लेकिन प्रेम नहीं मिट सकता। हमारे प्रेम की परिभाषाएं अलग अलग हो सकती हैं। एक माँ के रूप में एक बच्चे के साथ अलग प्रेम होता है, और वही माँ अपने हस्बैंड के साथ एक अलग रूप में होती है, वही माँ एक अलग रिश्तों में जाके अलग प्रेम करती है। तो ये प्रेम की परिभाषाएं एक होती है, लेकिन सबका एक जो एक लीड होती है वो सिर्फ एक शाश्वत प्रेम के साथ होती है। तो हम बात करते हैं डिवाइन लव की, और मैंने इसमें जो है एक नई कलर स्कीम, आप देख रहे होंगे पिछले काम से नई कलर स्कीम बहुत सी डिफरेंट है, तो इसमें डिफरेंट सी कुछ कलर स्कीम डाली हैं, कुछ ब्लैक एंड वाइट्स के साथ कुछ कलर्स डाले हैं, जो एक सूफियाना कलर स्कीम कहलाती है। मैंने कहीं कहीं आप देख रहे होंगे मुखौटे यूज किए हैं। हम लोग मुखौटे के रूप में भी हम कई बार प्रेम को देखते हैं कि हमारे मुखौटे चेंज हो जाते हैं प्रेम करने के, प्रेम करने के बाद हमारा मुखौटा चेंज हो जाता है, प्रेम करने से पहले हमारा मुखौटा चेंज, तो हमारे एक्सप्रेशन के हैं, तो वो हमने उसको रीड करके बनाया। एक नई बात इसमें यह है कि इसमें मैंने कुछ कैलीग्राफी भी यूज़ की है, और जो कैलीग्राफी एक नई स्टाइल में आपको दिखाई देगी। कुछ जगह मैंने एक टेक्चर्स यूज किए हैं, वो टेक्चर्स भी कुछ डिफरेंट से होंगे, तो ये एक नया एक संगम है, और आप इसको देखेंगे तो आपको आनंद आएगा, पूरा विश्वास है। थैंक यू।